नमस्कार, मैं हूँ टीवी वाली और आप देख रहे हैं सस्ती न्यूज। चूंकि मैं इतना फास्ट वॉइस ओवर नहीं कर सकती, इसलिए आपको ये बैकग्राउंड नॉइस झेलना पड़ेगा, क्योंकि आप देख रहे हैं सस्ती न्यूज। ले चलते हैं आपको आज के बुलेटिन की ओर। देश में हुए 18 लाख से ज्यादा कोरोना केसेस। आंकड़े देखकर पता चलता है कि ये बीमारी संक्रमण से कम, बेवकूफों से ज्यादा फैलती है। सरकार लेकर आई नई एजुकेशन पॉलिसी, अब नहीं कर पाएंगे साइंस वाले कॉमर्स और आर्ट्स वालों की बेइज्जती। शख्स ने यूट्यूब पर 2 घंटे तक कुछ न करने का वीडियो डाला, मिले 18 लाख से ज्यादा व्यूज। गृह मंत्री अमित शाह हुए कोरोना पॉजिटिव। अफवाहें फैल रही हैं कि कोरोना से उसी की वैक्सीन खरीदने गए थे अमित शाह। रिया चक्रवर्ती ने होली वाले कपड़े पहनकर दिया लोगों को मीम कंटेंट। लगभग सभी लोग सुशांत की डेथ और डिप्रेशन वाला ज्ञान जो उन्होंने स्टोरी में पोस्ट किया था, उसे भूलकर रिया को कर रहे हैं बिना किसी प्रूफ के ट्रोल और अक्यूज। मुंबई के दादर में ट्रैफिक सिग्नल पर लगाई गई महिला आकृतियां। खुशी है कि अब महिलाओं को रेड लाइट से निकलकर ग्रीन लाइट में आने का मौका मिलेगा। कोरोना वायरस प्रतिबंधों के खिलाफ 17,000 लोगों ने बजट में निकाला मार्च। कहा, गुलाम बनाने वाले मास्क को खत्म करना होगा। ये वही लोग हैं जिन्हें लगता है कि फेमिनिज्म यानी मैन हेटिंग होता है। न्यूज चैनल्स को मिला मेरी एक टांग नकली है, मैं हॉकी का बहुत बड़ा खिलाड़ी था वाला बल्लू, जहां जरूरत लगती है आगे कर देते हैं। करीबन हफ्ते भर तक चले ब्लैक एंड व्हाइट चैलेंज से आया समाज में बहुत बड़ा बदलाव। हालांकि ये बदलाव इतना बड़ा है कि अभी नजर ही नहीं आ रहा है। तो आज के बुलेटिन में इतना ही। मैं हूँ टीवी वाली और आप देख रहे हैं सस्ती न्यूज। अगले हफ्ते फिर मिलेंगे नई खबरों के साथ। हमेशा रहे मस्ती में, खबरें देखें सस्ती। नमस्कार। मुंबई के दादर में अरे यार, बहुत ही बकवास बोला मैंने।